हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे साथ ना मनाली, रोहतांग और लेह तक की यात्रा में आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे हैं यहाँ पे, अच्छा भी लग रहा है चलने में। बहुत सुंदर रोड है और इधर से देखे दो साइड है रोड और दोनों साइड काफी अच्छा है। पहाड़ नहीं लग रही है, हाईवे लग रहा मुझे। मंडी से ऊपर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि रोड लेकिन रोड में थोड़ा सा है कहीं कहीं, क्योंकि हाईवे बन रहा है इसलिए, और बाकी तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत मजे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी जने हम लोग। ये देखिए बगल से भी गाड़ी निकल गई है, ये दो गाड़ियां आराम से निकल सकती है, इतनी चौड़ी रोड है। ये देखिए इस साइड भी और उस साइड भी, तो काम चल रहा है। आप लोग ना आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही हिमाचल के नज़ारे ले सकते हैं। हिमाचल की वादियों में आइए, अगर आपकी न्यू मैरिज है तो आप तो जरूर आइए। मेरी आवाज कैसी लगी बताना, और आप गाएंगे मेरे हस्बैंड, बोलो 1 2 3। ये कहां आ गए हम, कपड़े साथ साथ चल के। तो आपको कैसी लगी आवाज बताइएगा, दोनों में से किसकी आवाज अच्छी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वाओ कितना खूबसूरत नजारा, ये देखिए। ये नया पुल बन रहा है यहाँ पर, 3 4 4 5 5 6। ये देखिए वाओ, बहुत ही सुंदर नजारा है। थोड़ा इधर का, इधर इधर अभी बन रहा है, काम चालू है। ये देखिए सुरंग का नहीं है, सुरंग ही है, सुरंगी है, रोड क्रॉस होगी वहां से। गाड़ी लगातार आ रही है ना, आगे भी नहीं निकाल सकते, अंदर निकाल सकते आगे नहीं, मोड़ है ना। थोड़ा थोड़ा तो हमारे उत्तराखंड की तरह लग रहा है, थोड़ा क्या पूरा ही उत्तराखंड की तरह लग रहा है जब हम रोड में चल रहे हैं। लेकिन जब खूबसूरत नजारे देख रहे हैं ना यहाँ से वादियाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये वादिया हमें, ये वादिया ये फिजाए बुला रही है हमें। बस इतने इतने गाने आते हैं, आगे के गाने नहीं आते हैं, तो हमने अपना टाइम पास भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पास करना भी जरूरी है। गाड़ी में अभी हमने नहीं लगा रखा है म्यूजिक, नहीं चल रहे हैं अभी, क्योंकि हम मजे ले रहे हैं अपने, इंजॉय कर रहे हैं हम ना, इसलिए। देखिए अभी हमने वो ऊपर वाली रोड में भी जाना है ना, तो लग रहा है ना हमारा उत्तराखंड। यहाँ पर ना बद्रीनाथ की तरह भी है, बैठ में।
यहाँ पर टनल का काम हो रहा है, और अगली बार आएंगे ना तो इसी पुल से जाएंगे हम, और इसी टनल से जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप एक बार मनाली रोहतांग लेह तक घूमने ज़रूर जाइएगा। जो यहाँ की सीनरी है ना बहुत ही सुंदर है, हमारे मन को दिल को बहुत ही सुकून देने वाली सीनरियाँ हैं। और जो टनल बनाए गए हैं ना वो तो कहने ही क्या, बहुत ही इसमें स्मूथली गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जब हम गाड़ी का प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लाइटों से बिल्कुल जगमग जगमग है, रोशनी बराबर है। लेकिन अपने अपनी गाड़ी की लाइटें भी चला रखी थी, और यहाँ से जब बाहर निकलते हैं ना तो सेकंड टर्नल से बहुत ही सुंदर सुरंग बनी हुई है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसके अंदर तो चलने में। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर ना गाड़ी रोक के यहाँ पर थोड़ा वीडियो शूट की जाए, पर लेकिन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे गाड़ी से रोक के और वीडियो शूट की जाए, इसलिए करनी भी नहीं चाहिए हमको, लेना भी नहीं चाहिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये ऐसा दिखता है जो ऑक्सीजन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े बड़े जब भी छुट्टियाँ हो बच्चों की तो आए हम यहाँ पे, और काफी लंबी सुरंग है जो 11 नंबर टनल था ना उसकी भी बहुत लंबी सुरंग थी, और ये भी बहुत लंबी सुरंग है। हर चीज होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपने ऐसी चीज कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी, क्योंकि मैं मनाली पहले भी आई हुई हूँ, आज से 2003 जितनी भी सामान है, जब मेरी नई शादी हुई थी इसलिए, और अभी भी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये चीज मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में, आप लोगों को प्लीज लाइक करिएगा, और जो जो लग रहा है हिमाचल सरकार का पहाड़ों के अंदर देखते हुए पहाड़ी में तो इसे गुफा ही बोलेंगे, गुफा के अंदर थे हम लोग, तो इसलिए आप आ सकते हैं, सामान ध्यान से और अच्छे से रख के लाइए, और ये निकले हर सामान लेके आइए, मतलब जो आपको जरूरत है तो पहले से ही आप पहले तैयारी कर लीजिए, पहले से सलूट है हिमाचल सरकार को हमारा। और लेकिन मैंने फिर भी ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा ही करके ना इकट्ठा कर लिया था, कि मैं बच्चों के लिए कोई भी कंप्रोमाइज ना हो, सारा सामान लेके चलिए, अच्छा लगेगा वहाँ उत्तराखंड में भी, अगर यही रोड बनती है वहाँ पर तो आ रहा है आप लोगों के साथ भी। देखिए फिर टनल आ गया, और आते जा रहे थे, आते जा रहे थे टनल ने, तो सीनरी ना दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि पहाड़ काट के ही टनल बनाए हुए हैं इसलिए, तो बीच बीच में ना जब बाहर निकल रहे थे तो तब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, लेकिन टनल के अंदर भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इसलिए मज़े आ रहे हैं। तो आप लोग ने एक बार मनाली रोहतांग लेह तक जरूर जाइए, और हो सके तो लद्दाख भी जाइए। और हमारा नेक्स्ट की एंट्री अभी ना जो गाड़ियाँ वापस आ रही है वो कहाँ से आ रही है मैं खुद भी नहीं पता, शायद दूसरा वाला रास्ता हो, लेह तक गए थे वहाँ तक, जहाँ तक जब वापसी में आएंगे ना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वो देखिए नीचे से जा रही है, वो देखिए नीचे से इसलिए क्योंकि वहाँ पर ना ऑक्सीजन की भी कमी है, बच्चों को परेशानी हो जाए, इसलिए हमने नई सफ़र किया। तो आप लोगों को हमारा सफ़र अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं ना आप लोग तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वहाँ प्यारी सी तरह मेरे साथ बना रहे सारी सुविधाएं हैं।
तो आप आ सकते हैं विद फैमिली। देखिए बारिश आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम हो गया है, वाह ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। मनाली के रास्ते में ही पड़ेगा, कुल्लू से आगे मनाली के पास आगे ना पहाड़ों पे बैठ के आराम से खाएंगे साइड में रोक के, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर है ढाबा पशुपति ढाबा फास्ट फूड। और अब हम जा रहे हैं आगे की यात्रा करते हैं और खाना खा के पता चलेगा कैसा बना था यहाँ पे आगे। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया, सुहाना, बहुत सुहाना मौसम हो गया, ठंडा और अच्छी सी फीलिंग आ रही है, जैसे नैनीताल में होता है ना ठंडा ठंडा सा, वैसी फीलिंग आ रही है। यात्रा पूरी कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू नहीं करेंगे अभी हम पहले हम पेट पूजा करेंगे हम अपनी। गाना कौन सा था वो पहाड़ी, ये बारिश ने मौसम बहुत ही सुहाना बना दिया है, बहुत ही सुहाना है ना, बहुत ही ज्यादा, ऐसा तो अंदाजे में भी नहीं होता, अंदाजे में भी इतनी गर्मी हो रही है। अब हम खाना खा रहे हैं, दाल चावल चटनी और रोटी है। चलिए ऐसा लग रहा है घर का खाना है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आगे की यात्रा के लिए तो चलिए यात्रा ही है सफर, चलो आगे का सफर करते हैं कंटिन्यू। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मन की शांति, बहुत ही अच्छा सुकून सा मिल रहा है। और ना हस्बैंड आए नहीं, वो नीचे ही खड़े हैं, उधर पीछे खड़े हैं और बच्चे भी उधर ही है,
रास्ता ना ये देखिए ऐसे है और नीचे को ऐसा है ऊपर पुल में जाने के लिए। और अब मैं रोड में आ चुकी हूँ। ये देखिए डॉगी सोया हुआ है। डॉगी और एक ये है मुर्गिया कुत्ता कालू। ये हमारे वहां की तरह कालू है। कालू चलते ही होटल है। ये रूम है हमारा देखिए। और ना वॉशरूम भी बहुत है साफ क्लीन और रीजनेबल रेट में है 1500 में ठीक है। और ये देखो सामने गाड़ी दरवाजे पे ही बिल्कुल। बहुत बढ़िया रूम मिल गया। बैठ गया यहाँ पर बेटा छोटा वाला और बड़ा वाला इधर बैठा हुआ है। और इधर मैंने सामान रख दिया है लेके आ गई हूँ। उधर हमारा वॉशरूम है साफ सुथरा है ठीक लगा हमें रूम तो सही लगा। ये यहाँ पर बैठा हुआ है बड़ा वाला बेटा और छोटा बेटा ना यहीं पर लेट गया है। थक गए हैं बैठे बैठे। और मैं भी ना यहाँ पर बैठ गई हूँ और लड्डू कृष्णा भी बैठ गए हैं। और ये हमारे ऊपर ना सिर्फ यहाँ पर टीवी लगा हुआ है। रूम तो बहुत बेस्ट रूम है अच्छा लग रहा है बैठ के यहाँ पर। थक बहुत। चाय और पकौड़े आए हैं फ्रेंड्स ये देखिए। और हम रूम में बैठ के आराम से चाय पकौड़े खा रहे हैं। ये देखिए टीवी चालू कर दी। मैं कर रही हूँ चेंज कपड़े ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और ना फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। चलिए चलते हैं आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा।